हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे में टॉयलेट सिस्टम कितने प्रकार के होती है और किस तरह से काम करती है। रेल यात्रा सड़क यात्रा से ज़्यादा सुगम और आरामदायक होता है, इसीलिए रेल यात्रा करना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। रेल यात्रा के दौरान बाहरी प्राकृतिक नज़ारों को देख कर दिल सुकून से भर जाता है और मन रोमांचित हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम रेल ट्रैक को देखते हैं तो मन उतना ही उदास हो जाता है। जब आप ट्रेन डिब्बा में चढ़ते होंगे तो देखे होंगे दो तरह के टॉयलेट सिस्टम होते हैं, एक इंडियन स्टाइल का, एक वेस्टर्न स्टाइल का। लेकिन इसे आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार का ये टॉयलेट सिस्टम है। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए आपको ट्रेन के डिब्बा से नीचे उतर कर देखना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कि मुख्य रूप से तीन प्रकार का टॉयलेट डिस्चार्जिंग सिस्टम बना होता है, एक ओपन टॉयलेट सिस्टम, दूसरा CDTS और तीसरा बायो टॉयलेट। ओपन टॉयलेट सिस्टम में जब कोई पैसेंजर इस शौचालय का यूज करता था तो मानव द्वारा उत्सर्जित मल मूत्र सीधे ट्रैक पर बाहर दिया जाता था, जिसके कारण पटरी पर गंदगी फैल जाती थी और अनेकों बीमारी होने का डर बना रहता था। और इसके साथ पटरियों में जंग लगने के कारण रेल दुर्घटनाएं होने की संभावना बन जाती थी। इसलिए रेलवे ने इसे हटाकर CDTS लाया, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। CDTS सिस्टम स्टील का बना एक इंटरमीडिएट टैंक होता है। इसके अंदर मानव उत्सर्जित मल मूत्र जमा होता है। इसमें PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है, न्यूमेटिक फ्लैपर, प्रेशराइज्ड वाटर पंप और एक फीड पाइप से एयर पाइप ले जाया जाता है। जब ट्रेन की स्पीड 25 से 30 किलोमीटर पर आवर होती है तो ऑटोमेटिक पूरा मानव उत्सर्जित मल डिस्चार्ज हो जाता है। इससे तो प्लेटफॉर्म साफ हो गया, लेकिन ट्रेन की समस्या बनी की बनी रह गई। इसी बात को लेकर मिनिस्टर जयराम रमेश ने बोला था, इंडियन रेल वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन टॉयलेट सिस्टम है। रेलवे भी रुकी नहीं थी। रेलवे ने DRDO के साथ मिलकर 2011 में बायो टॉयलेट का निर्माण किया, जो एक बैक्टीरिया बेस्ड टॉयलेट सिस्टम है। बैक्टीरिया दो प्रकार की होती है, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करती है, एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही सनलाइट की जरूरत पड़ती है। यह एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ टैंक होता है, जिसे बायोडाइजेस्टर टैंक बोला जाता है, जिसके अंदर 120 लीटर का इनाकुलम बैक्टीरिया डाल दिया जाता है। जब टैंक के अंदर मानव उत्सर्जित मल मूत्र आता है तो यह बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज कर लिक्विड और गैस में बदल देता है। जो गैस होती है मुख्यतः मीथेन और CO2, जो कि एक बायोगैस होती है, उसे एटमोस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। जो लिक्विड होता है उसमें क्लोरीन का टेबलेट या तो पोटेशियम परमैंगनेट का टेबलेट को डालकर वाटर को डिसइंफेक्ट करके रेलवे ट्रैक के बीच में या फिर बाहर गिरा दिया जाता है। यह एनारोबिक बैक्टीरिया जनरली आधा घंटा से लेकर 16 घंटे के बीच में डबल हो जाती है। ऑन एन एवरेज बात करें तो 6 से 8 घंटा में डबल हो जाती है। यह 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक सर्वाइव करती है। यह 3 से 4 महीने तक टैंक में आसानी से रह जाती है। यह ठंडे प्रदेशों में भी सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। आज के समय में रेल के सारे कोचों में बायो टॉयलेट लगा दिया गया है और इसका एडवांस वर्जन वैक्यूम बायो टॉयलेट सिस्टम लाया गया है, जो कि एरोप्लेन में यूज हुआ करती थी, अब इसे ट्रेन में भी लगाया जा रहा है। इसके अंदर बीच में एक सक्शन जनरेटर लगा दिया जाता है, जो कि आपको पिक्चर में देख रहे होंगे, जो कि मानव मल को सीधे बायो टैंक में डाल देता है। वैक्यूम बायो टॉयलेट जनरली आपको वंदे भारत जैसी ट्रेनों में मिलेगी। इन टॉयलेटों में समस्या तब आती है जब कुछ लोग टॉयलेट के अंदर वाटर बोतल, सैनिटरी पैड, पॉलिनी बैग छोड़ के चले आते, जिसके कारण बायो टॉयलेट चौक हो जाता है। इसको हाई प्रेशर जेट क्लीनर मशीन से साफ किया जाता है या फिर इसको यार्ड में भेज दिया जाता है। अब इंडियन रेलवे ने टॉयलेट को अपग्रेड कर इंटीग्रेटेड टॉयलेट सिस्टम बनाया है, जिसे ई टॉयलेट कहा जाता है। इसके अंदर दरवाजे खुलने पर, दरवाजे बंद होने पर स्वतः फ्लश चालू हो जाता है और हर 5 मिनट के बाद फ्लोर साफ हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे।